तो और बताओ क्या हाल चाल है। आज है ईद का दूसरा दिन, ईद कल था। कल शाम होते होते बारिश की वजह से मूड खराब हो गया, पर दिन भर अच्छा गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शुभम के मार्ट, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। एक छोटा सा सामान लेना है, कुछ ले लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे पिक्चर देखने। कौन सा वो बाद में पता चलेगा। फिर शाम को भी कुछ प्लान है, वैसे ही एज यूजुअल बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक जुड़ो। सिर्फ ये एक चीज लेने आए थे हम लोग, सिर्फ ये एक चीज। और ये देखो, अब ऐसे ही होता है भाई, सुपरमार्केट में आओ तो भाई भर जाता पूरा। कल जैसा नशा फिर हो रहा है मेरे को, आज फिर बिरयानी। कल वाला जो था वही बिरयानी फिर से खाया हूँ, पर आज नहीं सोएंगे। आज जाना है पिक्चर देखने, किसी का भाई किसी की जान, स्वरूप टॉकिस में। मेरे को स्वरूप टॉकिस बहुत सही लगता है, एकदम एवरेज जगह है, सस्ते में भाई तुम पिक्चर देख लो तो बढ़िया साउंड है, ठीक है, वो ठीक ठाक है। तो हाई फाई कोई चीज नहीं है वो, पर ठीक ठाक है, काम चल जाए। पिक्चर आप देख सकते हो और स्टोरी आपको समझ आ जाती है, ऐसा है। मेरे को तो हाई फाई पसंद भी नहीं है, बहुत पैसे चले जाते हैं उसमें। पिक्चर देखने के लिए इतने पैसे नहीं खर्चा करता, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, मैं उतना पैसा नहीं खर्चा करता। यहाँ सस्ते सस्ते में निपट जाता है, बढ़िया पिक्चर भी देख लेते हैं, इंजॉयमेंट भी हो जाता है, सब हो जाता है। जब सस्ते में काम निपट रहा है तो मैं काय को वहाँ महंगा देके ज़्यादा पैसा देके वही चीज़ देखने के लिए जाऊँ, मेरा ये सोचना है। तो अभी बस ये सेवई ख़त्म करेंगे, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद मीठा बहुत ज़रूरी है। सेवई ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, सोएंगे नहीं, सिर्फ बैठेंगे, सोना नहीं है, फिर जाएंगे पिक्चर देखने। अबे क्या हो गया, भीड़ वीड नहीं है, अच्छा नहीं गया पिक्चर उच्चर। तो पैसे तो ले आता हूँ टिकट। Three hours later. कैसा लगा पिक्चर? ऐसा नहीं है कि एक बार देखे तो फिर दोबारा आओ देखने के लिए, नहीं, कोई स्टोरी नहीं है, है ना? एक बार देख लिया, एंटरटेन हो गया, फाइटिंग फूटिंग धूम धुराम मजा आ गया बस। बट ऐसा नहीं कि बार बार ज्यादा के देखे, वैसा वाला सिस्टम नहीं है, एक बार देखने लायक ठीक है। ये स्टोरी तो पुराना है ना। हाँ, हाँ थोड़ा साउथ आउट का इधर उधर से उठाओ। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस धोबी, अरे क्या नाम है उसका यार, दिल वाले, दिल वाले तो किसी का भाई किसी की जान बहुत ही लंबा नाम है, शॉर्ट में भी भाई जान रख सकते थे। अब पता नहीं कुछ होगा इसके पीछे का रीजन। तो मेरे को ये मूवी ठीक ठाक लगा, एक बार देख सकते हैं। ऐसा कोई मूवी नहीं है कि इसको आप बार बार जाके देखो, जैसे कि कौन सा मूवी, एवेंजर्स थी, एवेंजर्स एंड गेम, मैंने उसको बार बार देखा था। क्योंकि ना जितने बार उसको देखो वो, मैं किसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, एवेंजर्स एंड गेम को किसी का भाई किसी की जान से, नहीं नहीं भाई कंपेयर नहीं, उसका कोई कंपेरिजन नहीं। वो बहुत अच्छा कोलेब्रेशन है साउथ का और बॉलीवुड का, बट एवेंजर्स एंड गेम, अरे क्या पागल हो गया हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो ठीक ठाक मूवी था, मेरे को एंटरटेनिंग लगा। बॉलीवुड का आदत है हमेशा लार्ज इसमें बोलना नहीं हो रहा है, लार्जर देन लाइफ दिखाने का। तो भाई एक्शन है, सलमान खान वहाँ से कूद के आ रहा, देख गाना ऐसे मार रहा वैसे मार रहा, देख फाइटिंग। मेरे को साउथ इंडियन स्टाइल वो वाला बहुत अच्छा लगता है, जब वो फाइट करने से पहले ऐसा तलवार का ऐसा फंसाते हैं मुँह में और फिर ऐसा रेडी होते हैं करके, फिर जो काटना शुरू करते हैं भाई बहुत बवाल लगता है वो। तो लास्ट में वैसा था, जो वेंकटेश डग्गुपति सर है वो अपने राउडी अन्ना में आ गए थे वाले फॉर्म में, तो उन्होंने आसा करके तलवार दबाया यहाँ पर, फिर जो ऐसा उठा के जो काटना शुरू किया गाजर मूली की तरह,
मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक्शन भी अच्छा लगा, ठीक ठाक एंटरटेनिंग मूवी था। अब अलग बात है कि मूवी में कोई स्टोरी नहीं था, कोई ठीक से कहानी नहीं था, कभी भी कुछ भी हो रहा है उसमें, कोई भी कहीं से आ रहा है, बट एक्शन भी एकदम क्या बोलेंगे उसको, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्शन था, ठीक है, बट एक बार देख सकते हैं, ऐसा कोई एकदम बुरा नहीं है, वाहियात पिक्चर नहीं है। जैसे बहुत सारे पिक्चर ऐसे होते हैं जिसको आप एक बार भी देखो तो सर ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट हो गया, बट ये पैसा वेस्ट नहीं था, अच्छा एंटरटेनिंग था। मूवी में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, बट मेरे को जो पर्सनली जो जिसका एक्टिंग अच्छा लगा वो था सिद्धार्थ निगम। आई एम श्योर उसका सिद्धार्थ निगम ही नाम है, कुछ और होगा तो मेरे को बताना। वो उसका एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, छोटा सा आर्टिस्ट है, छोटा सा कलाकार है, बट बहुत ही अच्छा लगा उसका एक्टिंग। बहुत सारी कमियां भी थी, बहुत सारे फॉल्स नहीं कॉन्स भी थे पिक्चर में, जैसे कि सलमान खान का जो मेकअप था बहुत ही अजीब टाइप का मेकअप था, फाइटिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा अनरियल था, बहुत ही ज़्यादा अनरियल, इतना अनरियल हो ही नहीं सकता। लास्ट में विलन भाई पत्थर से मार के उसका भाई सर का पता नहीं क्या ही बना देता है, बट फिर भी लोग सीटी बजाते हैं तो उठ के खड़े होकर धपड़ धपड़ दे देता है उसको, तो बहुत ही अनरियल था, बट फन और एंटरटेनिंग मूवी था, मेरे को अच्छा लगा, एक बार देखा जा सकता है। तो अभी किसी का भाई किसी की जान देख के आया, अभी फिर कहीं निकल रहा हूँ। हरे कृष्णा मूवमेंट ये कोई टेंपल है, मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था उसने इंस्टा में बताया कि ये सब चीज़ें हैं करके, मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, तो बस जा रहा हूँ देखता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या है, बाकी आज ही टाइम में घूम फिर लेता हूँ, कल से तो फिर वही सेम डे यूजुअल चीज़ें शुरू, तो चलते हैं बस। बेसिकली ना ये एक राधा कृष्ण का टेंपल है वो पीछे, और मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, मेरे को नहीं पता था ऐसा होता है तो नहीं जा सकता।